आंवलों की टिप्पी भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसको ग्रीन करना। ये देखिए ग्रीन होने शुरू हो गई है। ये तो व्यूअर्स ये देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ग्रीन ग्रीन जोन से हमारे खिले खिले से चावल हो गए हैं तैयार। अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, आप सब लोगों को हम लोग अपने चैनल की विद नाज़ में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, मतलब 14 अगस्त के हवाले से, हम लोग आज बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज 14 अगस्त तो है सॉरी, लेकिन इसके अलावा बाजा डे है, मतलब सब लोग यहाँ पे बाजे बजा रहे हैं बड़े बड़े, और सुबह से इतना शोर मचाया हुआ है। तो आज मैंने 14 अगस्त की नस्बत से आप लोगों के साथ जो सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है ग्रीन चिकन पुलाव। ठीक है, और ग्रीन पुलाव जो सा हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाफ के जी जो सा है वो चिकन लिया है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कट्स भी लगा सकते हैं, इसके मतलब मैगिनेशन हम लोगों ने करनी है तो टेस्ट जो सा है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने चिकन लिया है, इसको हम लोगों ने कट्स लगा लिए हैं, और अब हम लोगों ने इस रेसिपी को शुरू करना है। पहले हम लोगों ने मैगिनेशन करनी है, बाद में हम लोगों ने जो सा है ग्रीन चिकन का जो पुलाव है, ग्रीन पुलाव हम लोग 14 अगस्त के हवाले से रेसिपी शेयर कर रहे हैं, उसकी तरकीब मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने जो सी है वो हल्दी, और नमक आप लोग अपने हिसाब से ज़रूरत ले सकते हैं, मैं ये भी जो सा है वो हाफ टेबल स्पून ही ले रही हूँ। हाफ टेबल स्पून ही जौन सी है वो काली मिर्च, और आप लोग सुन भी सकते हैं कि बाहर भी बाजे बज रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने तो आज़ादी डे को बाजा डे बना लिया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने डाली, क्योंकि ग्रीन है इसकी ज़रा पहले मेरे गले को बहुत धुआं लग गई है फिर यही होगा सेम, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली डाल दी है। जी तो व्यूवर्स, 14 अगस्त के स्पेशल रेसिपियों के अंदर 14 अगस्त के रंग ना हो तो रेसिपी अधूरी है। तो उसी मुनासबत से मैं आज जो सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन चिकन पुलाव की। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और वंस अगेन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों ने ये जो सी इसकी मैगिनेशन आधे घंटे के लिए करनी है। ठीक है, तो इसके मैगिनेशन के बाद आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं कि हम लोगों ने जो सा ग्रीन चिकन पुलाव है 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल रेसिपी 14 अगस्त की वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूवर्स, अब हम लोग आ गए हैं ग्रीन चिकन राइस जो से हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी जो हरे चावलों की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अदद प्याज लिया है, लहसुन के जवे लिए हैं 5 से 6, अदरक लिया है, और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। उप्स, ये चीज़ें गिर गई हैं, तो हम लोगों ने इसको मैं धो लेती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है, इसके हम लोगों ने जो सी ग्रीन पेस्ट वो तैयार कर लेनी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आप लोगों की हौसला अफजाई इस वर्ल्ड के 14 अगस्त की बहुत ही स्पेशल रेसिपी ग्रीन राइस में आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो लाइक तो बनता है, क्योंकि आज 14 अगस्त और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अपने प्यारे वतन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया, इसके तो पहले मैंने हरी मिर्चें जो सी हैं वो हमने मैगिनेट की है वो की हुई थी। ठीक है, ब्लेंड, अच्छा प्याज लिया है हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोगों ने हरा धनिया, हरी मिर्चें 5 से 6 अदरक, अदरक और लहसुन है, ये सब कुछ जो सा है मैंने वो ग्राइंड कर लेना है, और एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग चावलों की पकाई की तरफ आ गए हैं। तो पहले हम लोगों ने एक पैन लिया है, ठीक है, इसके अंदर मैं जो सा शामिल कर रही हूँ देसी घी, अगर देसी घी है आप लोगों के घर में जो तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हाफ के जी जो सा चिकन है मेरे उसके चावल तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं स्पाइसी आपको दिखा देती हूँ, मैंने काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी ली है, 4 जो सी हैं लौंग लिए हैं, और तेज़पत्ते लिए हैं। ठीक है, ये तमाम सब स्पाइसेस हम लोगों ने इसके अंदर जौन सी है वो डाल के मतलब फ्राई कर लिया, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कहते ज़ीरा डाल दें, अभी हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं डाली, पहले हम लोगों ने ज़ीरा जौन सा है वो डाल के हाफ टेबल स्पून इसको भूनना है अच्छे से, उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें डाल दी इसके अंदर। ये तो फिर सब हम लोगों ने वही जौन सी चीज़ें हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल के वो फ्राई कर लेना है। पहले हम लोगों ने इसलिए इसको डाला कि जो उसका फ्लेवर अरोमा है हर चीज़ का वो आ जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो वंस अगेन आप सब लोगों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अगले मजीद इस तरह के कई 75 साल देखें रिसीव करें, और हमारे अर्ज़ ज़मीन को कायम दायम रखें, आमीन। तो हम लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को भी बना रहे हैं, और पाकिस्तान के जो से अगर कोई मिली नगमे आप लोग खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि आप लोगों को कौन सा पसंदीदा मिली नगमा है। तो हम लोग इसके साथ साथ और भी अपनी रेसिपी को
फर्दर शुरू करते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, अब ये जो से मसाले हम लोगों ने 5 मिनट भून लिए हैं, अब हम लोगों ने मैरिनेट किया वो चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से एक ही दाल डाल के, फिर ये सारा जो मसाला लगा हुआ है अच्छे से इसके अंदर हम लोगों ने साफ कर लेना है, और 5 मिनट हम लोग इस चिकन को भूनते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और आज हम लोग आप लोगों के साथ जो 14 अगस्त की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर आज इस रेसिपी को ट्राई करना है, ग्रीन चिकन राइस बनाने हैं, और हमें अपनी फीडबैक देनी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आज पाकिस्तान डे है और एक लाइक तो बनता है। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने 5 मिनट गोश्त को भून लिया, वही मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेस्ट जो सी तैयार की थी, प्याज लहसुन अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, ये देखो 14 अगस्त की हमारी गली में कुछ ज़्यादा ही ना मना रहे हैं खुशियाँ 14 अगस्त की, ये ग्रीन मसाला डाल दिया। तो अब मैं आप लोगों को जो सा एक और टिप बताऊंगी कि जो से चावल हम लोगों ने, क्योंकि ग्रीन बनाने की 14 अगस्त की रेसिपी है, तो ग्रीन चावल नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इसको मसाले को भी हम लोगों ने भून लेना, और फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए गोश्त को रख देना हम लोगों ने। तो फिर मैं आप लोगों को चावलों को बताती हूँ कि वो हम लोगों ने कैसे तैयार करने हैं। ये तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि चावलों की टिप्पी भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसको ग्रीन करना है, देखिए ग्रीन होने शुरू हो गए हैं, वही जो पेस्ट हम लोगों ने बनाई थी ना, जो सेकंड टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसको मैंने निचोड़ के मतलब स्ट्रेन करके उसका जो पानी था ना वो उसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है, तो चावलों के अंदर भी जायका आ गया, और जो उसका कलर है देखिए ग्रीन भी हो गया है, ठीक है, ये पानी भी उसका है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको यूज़ कर लें, अगर आप पहले भी खो दें चावल तो जैसे मैंने पानी शामिल किया उसकी जगह आप ये पानी डाल दें, ठीक है, क्योंकि ये भी मसालों वाला है, अगर मैंने पहले डाल दी लेकिन अब मैं इसको वेस्ट कर दूँगी क्योंकि वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, तो अब इसको हम लोग शामिल करते हैं चिकन में। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन थोड़ा सा पकने लग गया है, और वही चावल जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं तो मैं शामिल कर रही हूँ उसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस स्टेज पे आप लोग नमक मिर्च चेक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह जो है चावलों का कलर ग्रीन होना शुरू हो गया है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और ये हमारा ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान की जो ग्रीन ग्रीन सी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें, और हमारी वीडियो को लाइक करें। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि देख ग्रीन ग्रीन जो से हमारे चावल तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखें कलर जो है इनका ग्रीन होना शुरू हो गया है, तो अभी हम लोगों ने पानी को रिड्यूस करना है, इसके बाद मैं इसको दम पर लगा दूंगी, ठीक है, और 5 से 10 मिनट जो से हम इसको दम पर लगाएंगे, इसके बाद जो से हमारी ग्रीन चिकन पुलाव की रेसिपी है, जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 का स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये आप लोगों का प्यार है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी और डिफरेंट मुनफरिद यूनिक लेकिन ईजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। ये तो व्यूअर्स ये देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ग्रीन ग्रीन जो से हमारे खिले खिले से चावल हो गए हैं तैयार गर्मा गर्म, तो अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जो से 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी ग्रीन चिकन पुलाव हो गए हैं तैयार, ये देखें कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन खिला खिला सा कलर है, चिकन भी जो सा है वो गल गया है, तो हम इसको टेस्ट भी करती हूँ आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत स्पाइसी है क्योंकि ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, अगर आप लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप इस 14 अगस्त स्पेशल रेसिपी को बनाकर ट्राई करें, और हमें अपनी फीडबैक दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।